Hablé por yo, niña. Niña, niña, era un loro, no, hijo. तुम्हें कोई पेंशन वगैरह लगी नहीं? नहीं जी। कोई हैंडीकैप सर्टिफिकेट वगैरह कुछ बना था थोड़ा? कोई स्कीम कुछ नहीं लभ्या? भारत जैसे देश में गरीबी निर्धनता इतना बड़ा दुर्भाग्य नहीं है, इतनी बड़ी विडंबना नहीं है, जितनी बड़ी बदनसीबी पिछले अगर हम करीब करीब 5000 साल का इतिहास खोल कर देखें तो वो इस विचारधारा ने पैदा की कि निर्धनता जो है वो व्यक्ति विशेष के पिछले जन्मों का फल है, या फिर हम यूं कहें कि विधि का विधान है, उसके भाग्य का लेखा जोखा है। ये जो धारणा हमारे इस देश में बड़े आराम से प्रचलित रही है, यही वो एक कारण है जिसके चलते आज इस 20वीं सदी में भी आपको ऐसे परिवार, ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके जीवन को, जिनके रहन सहन को और जिनकी अपने पेट को पालने की जद्दोजहद को देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि आज हमारे देश के इस दबे कुचले नितांत पिछड़े तबके का वास्तविक सूरत हवाल क्या है। हम बात कर रहे हैं जिला रियासी के एक ऐसे दूर दराज के गांव की। यहां का ये परिवार है, इस परिवार में एक बुज़ुर्ग दंपति है, पति जो है वो दिव्यांग है, अपाहिज है, और ये जो बुज़ुर्ग महिला आप इस कैमरे पर देख रहे हैं ये ना केवल अपने पति को पति धर्म निभाते हुए उनकी दैनिक दिनचर्या में सहयोग करती हैं, बल्कि आप इन्हें अगर गौर से देखें तो अपने इन बूढ़े हाथों से जिस तरह ये अपने इस कच्चे मकान को लीपने पोतने की कोशिश कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक कोशिश है अपनी गरीबी को ढांपने की। इस वक्त मैं रियासी जिले के आधार शिविर रणसू शिवखोड़ी के पोराग जगीर इलाके में मौजूद हूँ। तो ये बिल्कुल रणसू शिवखोड़ी के पास ही इलाका है। चाचू के नाम थोड़ा? मेरा नाम सरवन है जी। बोलो। अरे तुम्हें कोई पेंशन वगैरह लगी थी? कोई नहीं जी। कोई हैंडीकैप सर्टिफिकेट वगैरह कुछ बना था थोड़ा? कोई नहीं। कोई स्कीम कुछ नहीं लभ्या? कुछ नहीं। दे उन तुस क्या आखना चाहोगे सरकार को, क्या आखना चाहोगे तुस? अपना जो ये सब है गरीबी मदद नहीं और नहीं पाती है। चाहेंगे कि ये बोलने में भी थोड़ा असमर्थ हैं, बोल नहीं पाते हैं, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलात में हैं। चाची के नाम थोड़ा? नाम कितनी देर हुई इन्हें बीमार हुए? 10 साल हुई है। अच्छा। कोई आटा नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता, कोई राशन नहीं मिलता जी, कोई मकान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं जी। मैं इन्हें मंगी मंगी अपने अपनी मजूरी रोना रोना कोई कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं मिलेगा, लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, हम कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ये बुजुर्ग दंपति हैं जो कि पोरा जगीर ये आधार शिविर रणसू शिवखोड़ी का इलाका है, वहाँ के रहने वाले हैं। बच्चे कितने थोड़े? अच्छा, एक कुड़ी है, बह दिन। अच्छा, तुस कल्ले? बिल्कुल। दे गुजारा किया होता तो उसमें मतलब खाना पीना किया कर दे? इन्हें मंगी मंगी है। अच्छा। इन्हें ये कपाल नहीं है, नूर कपाल है, इन्हें कपाल को है, चोल नहीं है, कुछ है जी। और राशन भी नहीं मिलता, ना है ये नार कार आना नहीं राशन मिलना जी, और वो तेल ही मिलना। अच्छा। नहीं और कहीं नहीं लोग, नहीं लोग ना लोग भी नहीं।
सुरम सिंह जो कि रियासी जिले के पोरा जगीर इलाके के रहने वाले हैं, जो आधार शिविर रणसू शिवखोड़ी के साथ लगता हुआ गांव है, और स्थिति आपने इनकी देख ली कि कितने परेशान हैं। किसी भी सरकारी स्कीम का इनको कोई लाभ नहीं मिला है, कोई भी सरकारी स्कीम इस गरीब परिवार के पास नहीं पहुंची है। ये बुजुर्ग हैं दोनों, इकलौती बेटी थी उसकी शादी हो चुकी है और बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा है। तो हम इनका अकाउंट नंबर भी अपने कैप्शन में दे देंगे, अगर आप इनकी मदद करेंगे तो इनके घर का चूल्हा जल सकेगा। सरकारी स्कीमों का इनको कोई फायदा नहीं मिला है, तो क्या सरकारी स्कीमें जो ऐसे लोग हैं उन लोगों के लिए स्कीमें नहीं हैं? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि सरकारी स्कीमें किन लोगों के लिए होती हैं। ये गरीब दंपति, ये पिछले सुरम सिंह पिछले 10 सालों से बीमार हैं, चारपाई पे हैं और हाथ पांव भी इनके काम नहीं करते हैं और बोलने में भी असमर्थ हैं, और जो इनकी धर्मपत्नी है वो भी थोड़ा साफ नहीं बोलती हैं जिसमें समझ आ सके। जितना हमने समझा है ये कह रही हैं कि हमें किसी भी सरकारी स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं मिला है, और साथ ही साथ खाने के लिए इनके पास राशन नहीं है, और ये आस पड़ोस के लोग इनकी मदद करते हैं और वहाँ से खाने का गुजारा चल रहा है, और कभी कभी ये भूखे भी रहते हैं, और ना तो इनको कोई गैस कनेक्शन मिला है, ना इनकी कोई पेंशन वगैरह लगी है। तो सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आधार शिविर रणसू शिवखोड़ी में बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े प्रशासन के लोग आते हैं, क्या उनकी नज़र इन गरीब लोगों पे नहीं पड़ती है? सरकारी स्कीमें, बड़ी बड़ी स्कीमें, प्रधानमंत्री आवास योजना, फ्री गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, बड़ी सारी स्कीमें हैं, लेकिन क्या वो स्कीमें अमीर लोगों के लिए हैं? गरीबों के लिए कुछ नहीं है। तो जहाँ पर एक स्थानीय युवक हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, तो सुना दसो अपना। मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा। पुरुषोत्तम जी, ये सुनाओ कि किन्नी देर दे बीमार हैं, तो कोई कियां इंदा गुजारा चल रहा? सर काफ़ी देर दे बीमार ने, थोड़ा जहा छोटा जहाँ होंगे उदू बीमार ने। अच्छा। लेकिन इंदे जो मेन है कि इंदा कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। असें भी जोड़ा भी इतने कोई आया, असं उसी मेरे सरपंच होर गए, मैं उन्हें आख्या कि इंदा कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन और आखो कि कोई बंदा इतने भेजन कि जेदे कन्नै कि इंदा आधार कार्ड बने, और इन्हें जो 2000 रुपये मोदी स्कीम अपने किसानों की वह भी लब्भे, और कन्नै जो इंदा अगर हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनता तो वह भी उन्हें पैसे लब्भन, क्योंकि इंदा हाथ पैर जो काम नहीं करते, अगर उंगली फिंगर काम नहीं करदी तो फिर इंदा आधार कार्ड नहीं बन सकता। तो इन्हें कहते एडमिनिस्ट्रेशन अगर गुजारिश है कि वह आने बंदा भेजन इतने, तो इतने आने दिखी सकन महाराज कि इंदा केह बनता, केह मसला इंदा हल करन। अब सवाल ये खड़ा होता है कि महात्मा गांधी का वो जो नारा सर्वोदय का था, जिसे दरअसल अंत्योदय से कभी शुरू किया गया था, और उसके पीछे की जो वैचारिक धारणा थी वो ये थी कि पंक्ति में खड़े हर उस आखिरी आदमी तक इंसाफ पहुँचे, विकास पहुँचे, और वो तमाम बुनियादी ज़रूरतों का एक एक्सेस पहुँचे, जो ना केवल पिछड़ा हुआ है बल्कि इस मुफलसी और गुर्बत के दौर में बड़ी बेजारी के साथ दिन काट रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस परिवार को और इसकी इस जीवन यापन के तरीके को देखकर शर्म महसूस होती है कि हम किस विकास की बात करते हैं। कहाँ है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ है वो समाज सेवी संस्थाएं जिनमें से 90% ऐसी हैं जो सिर्फ अखबारों की गवाही पर खुद को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करती हैं। इन तक ना कोई ऐसी परियोजना आज तक पहुंच पाई जिनकी इस परिवार को जरूरत थी, ना कोई नौकरशाही का, अफसरशाही का कोई कारिंदा इन तक पहुंच पाया जो इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कम इस काबिल बना देता कि ये अपना पेट इस उम्र में एक इज्जत से, एक सम्मान से भर पाते। कमोबेश मैं यही कहूँगा कि ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, अगर हम यथार्थ की ज़मीन पर खड़ा होकर जम्मू कश्मीर की ही अगर मैं बात करूँ तो इसके जो दूर दराज के वो पिछड़े हुए देहाती इलाके हैं, वहाँ पर ऐसे ना मालूम कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं और कितनी ऐसी जिंदगियाँ हैं जो आज भी इस निर्धनता कोड़ से, जो हमारे समाज में किसी अभिशाप से कम नहीं है,
जूझ रही हैं, लड़ रही हैं, लेकिन अफसोस उन तक ना तो वो अंत्योदय का इंसाफ पहुंचा, ना सरकारें पहुंची, ना वो रहनुमा पहुंचे जो खुद को जनप्रतिनिधि बताते हैं, समाज की रहनुमाई का दावा करते हैं। उम्मीद करता हूं कि शायद इस बुजुर्ग दंपत्ति के इस वास्तु स्थिति को देखने के बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के किसी व्यक्ति विशेष को, अधिकारी विशेष को तरस आ जाए, उसका मन पसीजे और उसे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एहसास लेश मात्र भी हो कि उसे किसी ना किसी तरीके से उस सरकारी आधारभूत ढांचे के हिसाब से इनकी मदद करनी है। अगर ऐसा होता है तो मैं समझूंगा कि दैनिक स्टेट समाचार का ये प्रयास कामयाब रहा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही ज्वलंत विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, शब्बा खैर।